बेस बता रहा हूँ, उस बेस को फॉलो करके आप कोई बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आपको सबसे पहले ये करना है, क्योंकि देखें कुछ लोग एक्सपर्ट भी थे, कुछ लोग बहुत बिगिनर भी हैं। आप यहाँ डेस्कटॉप पे आपने सिंपल सा कोई फोल्डर बना लिया, तो ऐसा नहीं हो कि आप उल्टे सीधे फोल्डर में काम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा फोल्डर था एक डेस्कटॉप में, देखते हैं ओपन फोल्डर। आपके सामने सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, फोल्डर बना लिया, फोल्डर में एक फाइल ऑर्गेनाइज कर ली। ठीक है, अब अपनी सबसे पहले एचटीएमएल लिखने जा रहा हूँ। सब कुछ फालतू जो था मैंने सब बंद कर दिया, एचटीएमएल की मैंने लिख दी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ लिंक लगा दी सीएसएस की, और मैंने अभी तक बनाई भी नहीं सीएसएस, मैंने यहाँ क्लिक किया क्रिएट फाइल, और यहाँ पे नई फाइल क्रिएट हो गई। बॉडी पे जस्ट बैकग्राउंड कलर लगा के देख लूँ, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, क्योंकि अभी मुझे पीछे से कुछ लोगों ने बोला सर सेल्स अप्लाई नहीं, क्या मतलब था प्रॉम, उन्होंने ड्यूटी नहीं किया था। कितनी मिनट जाया हो गए, 10 मिनट जाया हो गए। तो इस तरह की चीजों से बचने के लिए आप सबसे पहले कनेक्ट करें, सीएसएस लगाएं और देख लें कि चल रहा है नहीं चल रहा, ताकि उधर ही आप पकड़ लें मसला। अच्छा, मैंने गो लाइव कर दिया। अगेन बता रहा हूँ, गो लाइव करने के लिए आपको इंटरनेट वगैरह की जरूरत नहीं है, सारा लोकल का काम है। अच्छा, ये मैंने गलत जगह चलाई इसलिए ऐसा आ रहा था। क्यों गलत जगह, क्योंकि एचटीएमएल भी चलती है। यहाँ से पोर्ट कट करता हूँ, डिस्कार्ड, दोबारा से स्टार्ट, बिल्कुल बेसिक से इसलिए सब बता रहा हूँ ताकि एक वीडियो देखें तो जो पीछे भी है उसको कवर हो जाए सब। ठीक है, अगर आप लोगों को बल्कि अच्छा ये हो गई ग्रीन, हम कलर मैच कर लेते हैं, हमें कलर मैच करने की जरूरत नहीं है, ये मतलब हमारी सीएसएस चल रही है। यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, बस मैं इसको यहाँ ये बोल देता हूँ कि भैया मार्जिन जो है आप कर देना 0 और पैडिंग 0, मतलब उससे एक्स्ट्रा इतनी भी नहीं देना पैडिंग। पता है बॉर्डर से थोड़ा सा गैप आ रहा होता है, वो खत्म कर दिया मैंने। अब मुझे लगाना था बूटस्ट्रैप में आया, बूटस्ट्रैप देखें, बूट स्ट्रैप लगाने की वजह क्या है कि हम डिफरेंट आगे आने वाले दौर में जो भी लाइब्रेरीज आएंगी उनको इंटीग्रेट करना सीख जाए। हमारा टारगेट बूट स्ट्रैप पे काम करना नहीं है, हमें सिर्फ इस्तेमाल करना सीखना है। जैसे भी हम लोग इशू आ रहा था ब्रेक पॉइंट्स का, तो अगर बूट स्ट्रैप इस्तेमाल करना बगैर सीखे में करने का मोड़ रखना, मतलब ये कि भाई ब्रेक पॉइंट लगाना मुश्किल है, आप सर्चिंग करोगे तो सर्चिंग अगर करने आ गए आप लोगों, तो आप ऑटोमेटिकली डेवलपर बन गए। मेरे भाई की आदत है, एक खानदान में कहीं से दावत भी आती है ना, तो उसकी पढ़ेगा कि किसकी डॉटर ऑफ है, उनकी जात क्या है, ठीक है भाई देखेगा कि किस कौन लड़का है, उसके अम्मी अप्पा का नाम क्या है, फिर फेसबुक प्रोफाइल खोल के सारी जो है ना उनके खानदान में निकाल लेगा। फारिग होता है ना बंदा, कोई अच्छा काम कर निकाल लेगा। अब इससे फायदा क्या हुआ, पहले तो नहीं, खाने का नहीं, इंसान की कुछ छोटी छोटी आदतें होती हैं। अगर आप लोगों ने बड़े बड़े प्रोफेसर को देखा हो ना, छोटी छोटी आदतें होती हैं, वो बगैर सोचे समझे कर लेते हैं। ऐसे ही मेरे भाई की भी, इससे बंदे को जो बड़े बड़े लीड जनरेशन होते हैं ना, उनकी आदतें होती हैं सर्चिंग करना, बिल्कुल कि फेसबुक प्रोफाइल खोलेंगे देखेंगे किस किसने लाइक किया, अभी इसने लाइक किया तो क्यों किया है, तो उसकी प्रोफाइल जाके खोलेंगे, मतलब समझ लो पूरी छान लेते हैं ना, पूरा ट्रांसपेरेंट कर देते हैं वेबसाइट। तो ये आपको आदतें बता रहा हूँ, रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें होती हैं, आपकी जिंदगी पर असरअंदाज होती हैं।
अच्छा हम आ गए रीड डॉक्स पे। ये बताने का मकसद क्या था आपको? सर्चिंग करना कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है बड़ी, लेकिन लीड जनरेशन इसी से हो रही होती है। सारी लीड जनरेशन उसी से प्रोजेक्ट सारे होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में। डेप्सिक का अगर किसी ने नाम सुना हो, इतनी बड़ी उनकी मार्केटिंग टीम है, क्या कर रही होती है? यही काम कर रही होती है, ये रिश्तेदारी ढूंढते वो लोग प्रोजेक्ट ढूंढते हैं कि कौन सा बंदा डेवलपर है, कौन सा बंदा काम मांग रहा है। सही, और उनपे पूरी पूरी डेवलपर्स की टीम बेस्ड होती है। काम आएगा तो करेंगे ना। सही, ये बात है। अच्छा बूटस्ट्रैप हमने बाय क्रिएट कर दी, और मेन काम हम यही सीख रहे हैं सर्चिंग करना। सर्चिंग कैसे होती है? आप तो कोडिंग तो हम साथ साथ कर ही रहे, लेकिन जहां फंसे हैं वहां सर्चिंग जरूरी है, वरना आप अटक जाओगे। हमने यहाँ देखा इंक्लूड बूटस्ट्रैप सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। यार अगर स्कूल आप लोगों ने पढ़ा है तो इतना तो पता होगा ना कि यार बुक में इंग्लिश में लिखा है तो क्या मतलब है। इतना तो वो नहीं होना चाहिए कि आप लोग इसके अंदर से इसका डिफरेंस नहीं कर सके। यहाँ दो लिंक एक्स्ट्रा लगी हुई है, लिंक ये वाली सीडीएन, ये स्क्रिप्ट। ऐसा होता है ना, स्विमिंग में भी यही चीज होती है। स्विमिंग में इंसान की क्या बोलते हैं, जो स्टे करने का तरीका होता है वो, और डूबने का तरीका होता है, बहुत सिमिलर ही होता है। आप थोड़ी सी अपनी बॉडी को बैलेंस कर लो तो आप तैर जाते हो, थोड़ी सी हलचल कर दो तो आप डूब जाते हो। इतना स्मॉल सा डिफरेंस होता है, हर चीज में इतना सा स्मॉल डिफरेंस होता है, जो इंसान को ऊपर ले जाता है और जो इंसान को डुबा भी देता है। बीच का रास्ता नहीं है कि भाई आप ना यहाँ खड़े हो, या तो ऊपर या नीचे। तो इस तरह की मिस्टेक इंसान करता है, हम भी कर रहे होते हैं, फिर जब बाद में ख्याल आता है हाँ यार ये तो सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो बस इस लहजे में बताने का तरीका वजह यह है कि आप लोग शायद हाईलाइट करके सुन लोगे। दो लिंक्स लगा दी, बूट स्ट्रैप मेरी कनेक्ट होगी। यहाँ भी ये कह रहा है कि बूट स्ट्रैप तो कनेक्ट होगी, लेकिन बूट स्ट्रैप की फंक्शनलिटी कनेक्ट नहीं हुई। जैसे कि ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन लगोगे ड्रॉप डाउन लग जाएगा उन दो लिंक से, लेकिन अगर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन नहीं खुलेगा, क्योंकि हम फंक्शनलिटी नहीं कनेक्ट की। तो हमने फंक्शनलिटी भी कनेक्ट कर दी। ठीक है, जैसे टायर के अंदर, गाड़ी के टायर के अंदर हवा निकालोगे गाड़ी चल जाएगी, लेकिन जैसे चलनी चाहिए वैसे नहीं चलेगी और नुकसान करेगी। हो गया, आप बोल रहे हैं हेलो वर्ल्ड, ओपन द पेज इन ब्राउजर of choice you see bootstrap page, now you can start building bootstrap by creating your own layout। मतलब ready to go है, अपने layout बनाना शुरू करो। हमें सिर्फ इसके अंदर से मैंने कहा था नेपबर लगाना है, और ये भी आदत अच्छी नहीं है। अगर मैंने आपको कहा है कि नेपबर लगाओ और आप लोग ऊपर का सेक्शन बनाए, कुछ लोग सिर्फ ये वाला सेक्शन बना लेते हैं, हमें कुछ कहा नहीं, क्योंकि यार ये लैग हो आपकी अटेंशन है कि मैंने आपको बोला हुआ कि ये वाला कंप्यूटर बनाओ और आप लोग ऊपर का बना रहे हो। अच्छा हम आते हैं कहाँ पे, नेवबार के अंदर। सही है, ये मैंने नेवबार का कोड कॉपी किया। अभी एचटीएमएल जो है ना, इसीलिए रिएक्ट जेएस वगैरह आई है कि एचटीएमएल का कोड ऑर्गेनाइज वे में नहीं होगा, ऑर्गेनाइज नहीं होगा, वह जैसे तैसे आपने रख दिया, शेल्फ नहीं बनी हुई होती। अब कोई बोलेगा भाई कमरे में बिखरे हुए कपड़े अच्छे लगते हैं, जो समझ आया उठा के पहन लिया, जो चेंज करना है रख दिया वापसी पहन लिया। अब चलो ऐसे भी लोग होते हैं, पीएचपी में ऐसे कोडिंग होती थी, लेकिन एक लाइफ स्टाइल वाले आदमी के पास जाओगे वो क्या बोलेगा, भाई मेरे पास चार अलमारियां, कोट की अलग है, बास्केट की अलग है, सलवार कमीज की अलग है, पार्टी की अलग है। ऐसे ही होता है ना, जैसे कैटेगरी बढ़ी वैसे इसी हिसाब से पैसे मिलेंगे आपको। री का कोड ऑर्गेनाइज में होगा, हेड का कंपोनेंट अलग है, फुटर का कंपोनेंट अलग है, डायरेक्ट जाके ले लिया। सही, ये कंपनीज जो है बड़ी बड़ी एक वेबसाइट बनती है ना, एक ही पेज होता है। अगर फेसबुक देखो लॉग इन पेज उसका दो इंफोटेक बटन है, लेकिन उसको सालों लगे होंगे बनने में, मेंटेन करने में। तो बात ये नहीं होती कि क्या दिख रहा है, बात ये होती है कहाँ रखा हुआ है, किस तरह रखा हुआ है, कितनी फाइल्स में रखा हुआ है। बहुत ऑर्गेनाइज उनका कोड होता है, पूरे पूरे जो है ना आर्किटेक्चर हायर होते हैं, वो बताते हैं कि आपका बटन किस किस कंपोनेंट से बनेगा, उसके अंदर कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज होगी।
यूआई किटन है, फिर एक नेटिव पेपर है, इस तरह की बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं। आर्किटेक्चर उसको डिजाइन करते हैं कि ये वाला लाइब्रेरी यूज करोगे, ये वाली नहीं करोगे, आजकल इस तरह से इंपोर्ट करोगे, इस तरह से नहीं करोगे, यहाँ तक के ये वाली कोटेशन दोगे सिंगल नहीं दोगे, या सिंगल दोगे डबल अलग नहीं दोगे, समझ रहे। सिर्फ कोड कर देना बड़ी बात नहीं, कोड किस तरह करना है ये भी एक वो होता है। तो अब हम नेपर बनाने जा रहे हैं, अब आपको पता है बूटस्ट्रैप से कॉपी कर रहे हैं, तो आपने यहाँ बता दिया भाई नेपर स्टार्टिंग। अब नेपर खत्म हो गया, नेपर एंडिंग, अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आम का बीज डाला खेत के अंदर, अब बोल रहे हैं कि इसके अंदर से कोई और फल निकले, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आपने प्याज बोई तो प्याज ही निकलेगी, आलू तो नहीं निकलेगा, तो भाई आपने जो कोड किया है वही नजर आएगा स्क्रीन पे, सही। ये अलग बात है कि मे बी आपको ये सब नजर आ रहा है, ये आउटपुट में नजर आ रहा है, होम लिंक ड्रॉप डाउन ये वो, इसको अगर मैं मिनिमाइज करूँ, लेकिन हो सकता है कोड में ये सब ना लिखा हो, कोड में लिखा हो और मोबाइल में भी, इसलिए शायद नजर ना हो। चलो मेरे में तो चल रहा है, वरना कुछ लोगों में ये चीजें नहीं आ रही थी, वो परेशान थे सर हमारे में क्यों नहीं आ रही, हमने तो कॉपी किया है कोड। तो अक्सर कोड इतना होता नहीं जितना दिखा रहे होते हैं, इस वजह से आउटपुट ऐसा। अच्छा मेरा टाइमर बन गया, मुझे कलर चेंज करना है, यही टारगेट था हमारा क्लास में, मैंने आपको बताया था। अब मैं यहाँ आया नेपाल स्टार्टिंग, यहाँ पे मैंने कहा स्टाइल, स्टाइल बैकग्राउंड कलर ग्रीन, नहीं हुआ, यहीं पे इम्पोर्टेंट लगा के चेक करते हैं, इम्पोर्टेंट हो गया। और क्या है, कलर वाइट इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, यहां पे आगे लगाते हैं स्टाइल कलर वाइट इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, जो नहीं हो रहा उसको हमने ध्यान नहीं दिया, इग्नोर करके आगे चल दिए। ये हो गया हमारा काम, अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, ये इमेज लगाना, कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पे हमने बोला बोर्ड स्ट्रैप लिंक्स, यहाँ पे हमने बोला इमेजेस सेक्शन स्टार्ट इमेजेस सेक्शन एंड इसमें आएगा डिव, ऐसा ही है। अब इसमें दो चीजें हैं, आप बताएं टेलवेट यूज करोगे या वेनिला सीएसएस, कॉपी इमेज एड्रेस की आईएनजी, ठीक है, यहाँ पे ये वाली कॉपी इमेज एड्रेस टेलमेंट का तरीकेकार ये था कि आप यहाँ गए, एक लिंक है जिसका नाम है सी स्क्रिप्ट, उसके अंदर लिंक लगती है https टेलमेंट cdn डॉट, इस तरह की लिंक है, तो आपने अपनी होशियारी नहीं करी, टेलमेंट सीधे वेबसाइट पे गए, यहाँ पे गेट स्टार्टेड प्ले cdn ये लिंक उठाई, ये पानी का फाइल अपने जोड़ दिया, अब हमारे पास भी पानी आना शुरू है, मतलब डेटा हम यहाँ पे आए। अच्छा एक और चीज, एच ये सब आ रहा है ना, ये क्यों आ रहा है, ये प्रोजेक्ट के अंदर कहीं ना कहीं टेलमेंट डॉट कॉम की फाइल बनी हुई मेरी, इसलिए मेरी वो काम कर रही है एक्सटेंशन। अच्छा पहले देख लेता हूँ तो मेरी ये चल रही है, चल रही है ना, दो इमेजेस आ गए, यहाँ तक सबको क्लियर है,
अब मैंने कहा क्लास क्या आपकी ड्रॉ में जाने के लिए, रिलैक्स हो गया। लेकिन जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए, इसने बहुत ज्यादा कर लिया। अब इसको हम बोलते हैं इमेजेस को, इमेजेस पिक करी क्लास W1, ये है 50%, 50% दोनों को दे दी, दोनों बराबर हो गए। अब इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं विद कितनी 1, इतनी 91%, सही, बल्कि और छोटी करते हैं, 80 कर देते हैं, 83, ठीक हो गई। इसकी जो मेन पेरेंट है उसकी भी हो गई 83, और अंदर जो है उन्होंने बराबर हिस्सा तकसीम किया, 50 उसका 50 उसका। अब मार्जिन राइट ऑटो एम एक्स ऑटो, एम एक्स का मतलब क्या था, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वाई और वर्टिकल। अच्छा एम वाई कर देते हैं 10, ताकि ऊपर नीचे से हाइट आ जाए। इसको बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर बॉर्डर 2, बॉर्डर फोर, बॉर्डर ग्रीन 700 हो गया, P 2, P 1, ऐसा लग रहा है सास बहू को खाना पकाना सिखा जैसे इंटेलिजेंस रही है। नहीं कुछ समझ नहीं आती, सही बन गया। तो मुश्किल तो नहीं था ना, बिल्कुल सिंपल वे में बना, कोई इंस्ट्रक्ट एलिमेंट करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। पीछे जिनको समझ नहीं आया उनको समझ आया, या देखो बिल्कुल सिंपल स्टेप होते हैं, बस यही समझ जाएंगे प्रोग्रामिंग और कुछ नहीं है। हाँ बोलिए, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है वही देखने की जरूरत है। अच्छा ये तो हो गया, अब ओवरलैप करना है। इसको पहले रिस्पॉन्सिव करके दिखाऊं, बाय डिफॉल्ट मैं इसको बोल देता हूँ कि फ्लेक्स होना, फ्लेक्सिबल बॉडी तो कर दी। अब मैं इसको बोलता हूँ फ्लेक्स कॉलम, कॉलम। अच्छा एक और बात, फ्लेक्स कॉलम आ गया, तो इसको बोलता हूँ आपकी जो विद है ये कर देते हैं एम डी। एम डी का मतलब जब मीडियम से बड़ी हो तो 50% हो जाना। जब छोटी हो तो कितनी हो जाना, डब्ल्यू फुल। समझ आया, अगर सैलरी कम हो तो पूरी कट कर देना, ज्यादा हो तो आधी कट करना। अब देखो अभी क्या है, ये बड़ी है ना तो ये आधी खर्च कर रही है। अच्छा इसको बोलता हूँ बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स कॉलम रखना, और जब बड़ी हो तो तुम लोग एक सब में खड़े हो जाना, फ्लेक्स रो। अब मैं आता हूं इंस्पेक्ट देखो जरा, सो करता हूँ 75%। अभी क्या है, एक लाइन में खड़े हैं सब, छोटे हुए तो कॉलमनार हो गए रिस्पॉन्सिव। क्या मसला है इसमें, मतलब ऐसी कौन सी मैंने रॉकेट साइंस कर दी था, बता रहा है कि भाई जो बाय डिफॉल्ट ये स्टाइल है तुम्हारा कॉलम में रहना, जब बड़ी हो जाओ रोमा जाना। आप लोग जब इतनी छोटी छोटी स्टाइल लगाएंगे ना रिस्पॉन्सिव करेंगे तो इजीली हो जाएगा, तो आप लोग कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक दफा आपको समझ आ गया कि भाई कैसे मोबाइल पर वर्क करती है, कैसे डेस्कटॉप पर वर्क करती है, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है।
अभी ये क्लियर है या एक्सप्लेन करूं और भी? ठीक है, कर लेते हैं। लेकिन अभी जो टॉपिक पढ़ा ये क्लियर है ना? ठीक है, ये तो हो गया। अब इसी सेक्शन को कॉपी पेस्ट कर देना नीचे। ठीक सही। अच्छा, इसमें एक और चीज कर लेते हैं, फिर इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। मैं यहाँ पे दो चीज लगा देता हूँ, एक डिप बनाता हूँ, इसको क्लास देता हूँ एब्सोल्यूट टॉप 20 लेफ्ट 10 से पहले एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका मतलब क्या हुआ? वैल्यू माइनस में चली जाएगी। ये हो गया। और बीजी ग्रीन कल आए हुए थे ना, वो मैंने जो बताया प्राइम मिनिस्टर के असिस्टेंट, वो बड़ी पोस्ट होती है। तो तीन चार टीचर थे हम, सही है, और तीन चार स्टूडेंट थे जो बहुत छोटे थे, जो यकीन करें उन्होंने हमसे पूछा कि हमने कैसे पढ़ा, क्या कर रहे हैं अभी, क्या कहाँ कैसे काम कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, सारी चीजें पूछी ना। तो उनको भी बहुत खुशी हुई, हमें भी बहुत खुशी हुई कि यार किस स्टेज से आए थे। वक्ता चिंची में आते थे, पैदल चल के आते थे, फिर ये भी वक्त है। ठीक है, अलहमदुलिल्लाह। तो आप भी जो अभी जो वक्त गुजार रहे हैं, आप लोग याद करेंगे कि यार एक ऐसा वक्त भी था भाई, हम ऐसे ऐसे मीटिंग होते थे, पूरे शहर क्या रहा था, आप लोगों को पता है कैसी कच्ची आबादी है और यहाँ सुकून से, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, यही सिंपल स्टेप है। टेक्स्ट वाइज अभी देखो, अभी कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं यहाँ लिखता हूँ। हाँ और क्या है? राइट, मैं भी जब पढ़ रहा था ना सुबह के टाइम में, हिफ्स करने जाता था मिलीनियम, वहां मदरसा था मेरा, घर था लकीवन की तरफ, है वही, मैं मिलीनियम जाता था हिफ्स करने, अपना छोड़ देते रमजान के महीने थे 5 बजे, फिर मैं 8 9 बजे घर आऊँ, फिर 2 बजे क्लास हो वापसी जाऊं। तो मेहनत हमने पूरी की। आप लोगों को लगता है कि आप मदरसे में हो, आपसे नहीं पढ़ा जा रहा, तो हमने ये भी टाइम गुजारा है और आप लोगों से टाइम गुजारा होगा। सही है, टाइम मैनेज हो जाता है, सारी चीजें मैनेज हो जाती है। अल्लाह ने 24 घंटे दिए, उसमें से 4 घंटे इंसान के लिए जरूरी है सोना। एक अगर अच्छे बिजनेसमैन को देखो, 4 घंटे उसको नींद आती है, बाकी 20 घंटे काम है उसका, तुम लोग हिसाब करो खुद ही भाई कहाँ जाए। और राइट अहमद इधर आ रहा है और अहमद उसके नीचे ही आ रहा होगा, क्योंकि अब इसको कैसे चेक करूं, मैंने तीन चार अहमद लिख दिए, अब देख लो अहमद 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 और राइट अहमद, ये कैसे हो रहा है? ये पोजीशन एब्सोल्यूट की वजह से हो रहा है, क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट आजाद होती है, एक के ऊपर एक आ रही है, अब पता नहीं चला कौन सी ऊपर है कौन सी नीचे। हमें क्या करना है, एक को करना है लेफ्ट, एक को करना है राइट, और 20 की जगह। अच्छा आपने देखा ये ऊपर जा रही है, ऊपर क्यों जा रही है? आजाद है, इसको पिंजरे में बंद कैसे करें? इसको बोलते हैं रिलेटिव, रिलेटिव मतलब अपने बच्चों का संभाल के रखो। ठीक है, ये आ गए अपने पिंजरे के अंदर। अब इसको मैं बोलता हूँ जो ये है ना, इसको बोलता हूँ नीचे से 20% रहना। तो अब 20, सॉरी टॉप 20 ये रहा, बॉटम 20 ये रहा। अब फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट मेरा काम नहीं कर रहा, सही है, मुझे कोई उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने यहाँ का -50 px, देखने वर्क करता है नहीं करता, -50 px वर्क करा मेरा, -30 कर दिया, सेम फॉर दिस के।
हो गया। और इसको हम जरा सी पैडिंग दे देंगे, पी टेल। पी फोर सही है, एक मिनट बन गया। अब मैं ऊपर नीचे कॉपी पेस्ट करूं, सब बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसको हम इंशाल्लाह कंटिन्यू, बल्कि रुको 2 मिनट और ये कर देता हूँ, इसको जरा कॉपी पेस्ट क्लिक कर देता हूँ। सही, देख लो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो ये हमने आधे घंटे में करा है। कितने, 12 15 17 पे स्टार्ट किया था, 45 हो रहे, मतलब 30 मिनट्स में कर लिया। आप लोगों ने 2 दिन में नहीं हो रहा था, वो भी मैंने समझा समझा के किया है आप लोगों को। ये सेम स्टाइल जाके घर पे एक ट्राई कीजिएगा, जब आपसे बन जाए तो समझ लीजिएगा आपको आगे बनाना। फिर इसको और कंटिन्यू कीजिएगा सेम ग्लो को, तो पूरी वेबसाइट बना लीजिएगा इस तरह से, और ग्रीन प्रोटोकॉल सब लाइव के दिखाइएगा। हम जावास्क्रिप्ट शुरू नहीं कर सकते इसके बगैर, जब तक ये सबको ये ना आ जाए। ठीक है, इसका कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, ज्यादा किसी को मसला हो तो ग्रुप को पार्ट आउट कर दीजिएगा, जूम क्लास कर लेंगे। जूम क्लास इसलिए होती है कोई आ नहीं रहा था, कोई पूछ नहीं रहा था, अब जाहिर सी बात है हमारे पास तो टाइम नहीं होता। ठीक है, स्टूडेंट्स को तो बोलता हूँ, अब जाहिर सी बात मुझे भी अच्छा नहीं लगता बोलते हुए स्टूडेंट्स को कि वो बेचारे आए और उनको कोई रिस्पॉन्स ना करें, 4 बच्चे बैठे हुए मीटिंग में, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये। लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े तो पूछ लीजिएगा, बेझिझक हो जाएगी मीटिंग भी। ठीक है।